आरबीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ब्रजेश श्रीवास्तव जी, रिमोट सेंसिंग के निदेशक श्री कुंवर साहब, पुरुषोत्तम मिश्रा जी, सुशील चंद्रा जी, सिन्हा साहब, आर एस भवन साहब, एस एस यादव जी, उपस्थित इस क्षेत्र के किसान बंधुओं, माताओं बहनों, मैं लगभग 25-30 वर्ष बाद इस क्षेत्र में आया हूं। कभी छात्र नेता के रूप में आया करता था और वो समय अलग था। यहां से मुझे वो शक्ति मिलती थी जिससे पूरे आदमी को मिला करता था, क्योंकि रॉ मेटेरियल यहाँ के स्कूल के छात्रों ने मुझे दिया था, तो सब मेरा संबंध थे आदर का प्रशासन उस समय छात्र शक्ति से मिलता। एक उस रूप में आया, एक आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में उपस्थित हुआ हूं, हाजिर हुआ हूं। एक्चुअल में वायरल हो गया था मुझको, तो गले में भी इन्फेक्शन है और कमजोरी भी है। यहां आया हूं क्योंकि ये मेरा घर है, वरना अयोध्या में महामेव का कार्यक्रम था, लेकिन जय जवान नहीं जाता है। मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री ने गाना दिया था, जय जवान जय किसान। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने उस पर जोड़ा, जय जवान जय विज्ञान। और अब मोदी जी ने जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। किसान तब भी जुड़ा था, किसान आज भी जुड़ा, लेकिन आज विज्ञान और अनुसंधान से जोड़ा जा रहा है उसको। बहुत ले लेने की भाषा में, चलती हुई भाषा में समझाऊं, आप में जो बुजुर्ग होंगे उन्होंने बैलों से भी खेतों को अपने जोता होगा, बैलों की जोड़ी और हल लगा हुआ, उससे खेत जोते जा रहे थे, फिर ट्रैक्टर से जोते जा रहे थे, यानी किसी को विज्ञान से जोड़ा गया। लाभ मिला, मेहनत भी कम हुई, उपज ज्यादा हुई, यानी किसी विज्ञान से जुड़ी तो उसका निष्कर्ष अच्छा आया सामने। ये छोटे से उदाहरण से बता रहा हूं कि किसी को विज्ञान से जोड़ना, अनुदय अनुसंधान से जोड़ना क्यों जरूरी है। मैं आगरा का विधायक बना, आगरा में मैंने कोशिश की जन समस्याओं को दूर करूं, अब प्रदेश में मंत्री बना हूं, तो ये सोचता हूं कि पूरे आप अब सिर्फ एक क्षेत्र का विधायक नहीं, पूरे आगरा से मंत्री हूं, आगरा को रिप्रेजेंट करता हूं, तो आगरा का चौमुखी विकास हो, उच्च शिक्षा है मेरे पास, शिक्षा का स्तर आगरा में कैसे सुधरे इसके लिए निरंतर प्रयासरत हूं। आईटी भी मेरे पास है, आईटी का हब बने आ रहा। मैं कुछ दिनों पहले योगी जी से बात हुई थी, जब आईटी की नई नीति बन रही थी, मैंने कहा कि हमने सुना था कि ताजमहल जब बना था तो मजदूरों के हाथ काट दिए थे, अब मैंने मालूम नहीं हाथ काटे थे कि नहीं काटे थे, लेकिन आज ताजमहल आगरा के मजदूरों के हाथ काट रहा है, तो सब उद्योग धुंध हो गए हैं, चौपट हो गए। इसलिए जरूरी है कि आईटी का हब बने, जो प्रदूषण युक्त नहीं है, प्रदूषण से मुक्त है, उनके पास समय है। और मैंने कहा आईटी की जब भी बात होती है
तो जो उद्योग से जुड़ते हैं वो या तो नोएडा को पसंद करते हैं या लखनऊ आगरा को पसंद करें, इसके लिए हमको आगरा के लिए जो स्पेशल इंसेंटिव प्रोविजन और फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। जैसे कि आगरा में ऐसे उद्योगपतियों को सस्ती जमीन मिले, स्टाम्प ड्यूटी से कुछ जमीन मिले, बिजली में कुछ राहत मिले, ब्याज में कुछ राहत मिले, तो वो आगरा आएंगे नोएडा के लिए। और आगरा आएंगे यहाँ के आम किसान भी जो आई टी से जुड़ेंगे, आम छात्र भी आई टी से जुड़ेगा, आम नागरिक आई टी से जुड़ेगा, उद्योग आगरा आएंगे तो आई टी का हब बनेगा, आगरा में बेरोजगारी दूर होगी, आगरा में घर घर समृद्धि पहुंचेगी, रोजगार के अवसर होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमारे पास ही है, जिस विभाग के अधिकारी आपके सामने बैठे हैं वैज्ञानिक लोग, इसमें भी नक्षत्रशाला आगरा में खुले हैं। ये प्रस्ताव प्रावधान हो गया है हमारे बजट में, जब नक्षत्रशाला खुलेगी यहाँ पर तो शैक्षिक पर्यटन बढ़ेगा। और मैंने तो आरबीएससी के अपने कुंवर साहब से अमरीश पाल सिंह से, राजकुमार अमरीश पाल सिंह से कहा भी था कि अगर आप हमको जमीन दे देंगे तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, एशिया का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से कोई भौगोलिक है एशिया का, भूगोल के हिसाब से सबसे बड़ा वो आगे पीडीसी में क्वेश्चन आया था बहुत बड़ा का उनको भी जानता है चलो जीता था आगे इस पर। तो हमने कहा आप जमीन दे देंगे तो राजा साहब के नाम पर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है शिक्षा को कृषि को, उनके नाम पर नक्षत्रशाला खोल देंगे। उन्होंने इसको कंसीडर करने की बात की है, इधर डी एम आगरा से भी गाड़ी जमीन चलाई थी। तो आगरा से हम गए हैं तो आगरा को दे के गए, जो जनता ने हमको वहां तक पहुंचाया है हमारा भी प्रबलता है कि यहाँ पर उसी के तहत हमारे डिपार्टमेंट आप लोगों के बीच आया है कि जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं किसी क्षेत्र में उनको आप तक पहुंचाना, और जब आप उससे जुड़ेंगे तो क्वालिटी भी अच्छी बनेगी आपकी कृषि की और क्वांटिटी भी अच्छी है। अभी योगी जी ने हमको नीदरलैंड भेजा था, उन्होंने देख रहा है कि किस तरीके से क्वालिटी सी उनकी कृषि के प्रोडक्ट की उत्पादन की, लौकी जितने बड़े बड़े खीरे और संतरे जितने बड़े बड़े टमाटर, तो क्वालिटी ऐसी होगी। और क्षेत्र बहुत है, कम पानी की लागत यानी पानी का 10% जो हमने उनसे पूछा बातचीत की, 10% पानी खर्च हो रहा है अपेक्षाकृत जो रेगुलर खेती करते हैं उनसे, 20% खाद वगैरह लग रही है लेकिन 200% आउटपुट आ रहा है। हमारे नेता मोदी जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करनी है, वो ऐसे नहीं कहते, उनके पास सामने सिर्फ लफाई नहीं है या राजनीति झूला नहीं है, उनके पास योजना है। वो जानते हैं विज्ञान जोड़ा जाएगा कृषि से तो किस तरह प्रभावित होगी, और उस योजना को बात कर आप तक पहुंचाने के लिए कि हमारे डिपार्टमेंट है रोड एंड सर्विस ये करेगा। आप लोग जुड़ेंगे तो आपकी भी, अभी जो बता रहे थे गीता कौन सी ले लो नैनो यूरिया, यूरिया बहुत आज में डालता था किसान, अब नैनो यूरिया है। एक और अभी मिले थे उसको वैज्ञानिक हाइड्रोजन वाले, उसका मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं खेत में एक जगह गोरखपुर, और 10-15 दिन पहले जो मैं परिवर्तन देखा हूं खेतों का, कि एक खेत के पार्ट में वो हाइड्रोजन यूज की जा रही है, एक में जनरल में काम करते हैं, दूर
अंतर देखा है दानों में गेहूं के उसके पौधे की साइज में और उसके इवन रंग में हरे रंग में जो पत्ते में होते हैं। अगर योजना सफल होगी तो पूरे प्रदेश में जाएगी इनको ये एक्सपेरिमेंट हमारे डिपार्टमेंट में वो विज्ञान से जब किसी को जोड़ेंगे और घर घर समृद्धि आएगी घर घर लक्ष्मी पहुंचेगी। तो जो हमारी योजनाएं हैं हमारे अनुसंधान है अंतरिक्ष से बैठकर जो सैटेलाइट है वहां से आपके पेट के इंच इंच जगह का पता लग सकता है ये डिपार्टमेंट से जैसे आर्थिक कसरत फसा अरे इंच इंच का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है इस में कितना पानी कितना गहराई पर पानी है ये विज्ञान पता लगा सकता है कैसा पानी है कैसी मिट्टी है उस मिट्टी में कौन सी फसल डालत सूख गई है हमारे बता रहे थे कुछ ऐसा क्यों देख क्या है क्यों इन्होंने जांच कराई थी आउटपुट निकला वैज्ञानिक कि किन्नू अगर आप दबाएंगे तो ज्यादा छोड़ेगा आज वो लाभान्वित हो रहे तो ये सब विज्ञान से जुड़ने की चमत्कार है। अभी तक हम लोग एक साधारण ढंग से खेती करके चले आ रहे जैसे करके चले आ रहे हैं वैसे चलता चला रहा है किसान भी उसी तरह चल रहा है गन्ना बो दिया गन्ना हुआ है बाजरा हुआ है बाजरा बो दिया जैसे और वो जैसा आ रहा है वैसे वर्षा पर निर्भर करता है और ये वर्षा हो गई बाजरा कटाव कर रखा था तब स्वस्थ हो गया अब बता देता है वातावरण पानी के बाद वर्षा होने वाली है हटाओ उसको बचाना है उसको ये सब विज्ञान का चमत्कार है और विज्ञान को कृषि के लिए विज्ञान को कृषि कृषि को आदमी जनमानस के तो समृद्धि लक्ष्मी के लिए समृद्धि के लिए इनसे जोड़ने की संगोष्ठी है यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक आए हैं यहाँ पर आगरा को मैं इसका हक बनाना चाहता हूँ हमारा डिपार्टमेंट आगरा के किसानों को जुड़े आप उनसे जुड़े तो आगरा के किसान घर घर समृद्धि पहुंचे तो मेरा आपके द्वारा चुनकर भेजा जाना दिन सुखारत हो जाएगा उस दिन सार्थक हो जाएगा मैं उस दिन अपने आप को सार्थक मानूंगा जब आपके घर पर चौगी दूंगी खेती उत्पादन होते पहला प्रयास है हम लोग संगोष्ठी के माध्यम से या आप तक कुछ अपनी बात रख सके आप हमसे जुड़े हम आपसे जुड़े आप विज्ञान से जुड़े विज्ञान कृषि से जुड़े अनुसंधान जो हमारे हो रहे हैं वो आप तक पहुंचे आप उनको कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ये सब आपको जानकारी मिले और मोदी जी और योगी जी की योजना है यानी जो पर बैठा जो किसान है जब तक उसके आंसू नहीं पूछेंगे देश के विकास की बात करना बेमानी हो हमारे नेता पिछले और सरकारों के नेता नहीं है सिर्फ लप्पा जी से काम नहीं लेते हैं वो काम करते हैं या अगर कहते हैं तो कुछ सोच कर कहते हैं उसका अनुसंधान पीछे अनुसंधान होता है पीछे विचार होता है जब विचार होता है तो अनुसंधान होता है अनुसंधान होता है तो कुछ ना कुछ जनता तक पहुंचता है। मैं भी प्रयास जनता के जनता कर दे सके और जनता ने जो मुझे यहाँ तक बताया है उसका मैं उपकार कैसे अदा कर सकूँ कैसे उससे हो सकूँ इसलिए मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ ईश्वर से कामना है कि मैं सफल हो तो पहली बार विधायक बना तो मैं कहीं ले लिया खासतौर से कहाँ से लाती है दो किलोमीटर एक किलोमीटर ये हाल था तभी मैंने संकल्प किया था कार्य डिपार्टमेंट से संबोधित करो ईश्वर ने मदद की और आगरा 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की तारीख बन गया
तब मेरे नेता मोदी ने बटन दबाया और जमुना भैया के घर में गंगा भैया दिल्ली जयपुर लखनऊ मद्रास यहाँ जाना पड़ता था जो सक्षम तो चले जाते कहीं बेचारा क्या करता तो सब इलाज आगरा के अंदर मिले ऐसा मेडिकल कॉलेज और अंतर बताऊ कितना हो चुका है तो धीरे धीरे प्रगति पर है आपको एहसास नहीं होगा कि जिस समय 2017 में मैंने द्वारा चुना गया और मैंने ऐसे मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन करने की कोशिश की और मैं वहां देखने गया तो वहां की छात्राओं ने मुझे घेर लिया हॉस्टलर से और घेर कर मुझसे बोली हमारा हॉस्टल देख लिया मैंने कहा भाई हॉस्टल में देखा मैं तो यही देखने आया हूँ बहुत सारे डिपार्टमेंट कैसी बुरी हालत है उसको कैसे सुधारा जाए नया डिपार्टमेंट का खोला जाए कुछ जगह है और मेरी तुझे अपना हमारा हॉस्टल तो देख लीजिए गर्ल्स हॉस्टल था और मेरा प्ले स्कूल बोल रहा है सरोज सिंह प्ले स्कूल थी मैंने कहा जरा इतना कह दिए हॉस्टल देखने के लिए क्या मामला है अरे सर आप और कुछ देखिए मैं सब मैं जरूर कुछ दाल में काला था मैंने कहा आपके लिए हम देखते इससे शर्मा का क्या हो सकती है कि महिला छात्रावास में बाथरूम के दर पर बाथरूम अगर करवा ले रही किसी भी सरकार के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए इससे शर्मा बात हो सकती है तो देखिए हमारे बाथरूम में दरवा ले रही शर्मा की स्थिति ये स्थिति थी उस समय इलाज की बात होगी इलाज करने वालों के आज कोरोना काल चला आया था ना इतना अंतर आ गया योगी की सरकार में कि यदि कोई सिफारिश आती थी अंदर की सर हमारा वो बीमार हो गया है तो अगर पीड़ित उसको एडमिट कराइए कहीं पर मैं कहाँ करा रहा पहली आपकी चॉइस क्या है तो हर एक की पहली चॉइस ऐसे मेडिकल कॉलेज होती थी ताकि खराब नहीं होता था ऐसा इतना परिवर्तन हुआ व्यवस्था में इतना विश्वास जगाया वहां की मेडिकल व्यवस्था आज गरीब को जो कहीं बाहर नहीं जा सकता है इलाज मिलेगा और पहली आवश्यकता क्या होती है आदमी के जीवन में दवाई पढ़ाई सुना होगा आप लोगों ने किसी डॉक्टर से कहते हुए किसी माता को या किसी पिता को मेरे बच्चे को हजारों डॉक्टर साहब का लगा कर दूंगा बच्चा जब कोई पिता के लिए बेटा कहता हो डॉक्टर के पास मेरे पिता को बचा लो डॉक्टर चाहे मेरा घर उठा कर जाए ये जरूरत होती दवा की और वहां दवा का हाल क्या था ये हमारी सरकार की जरूरत तो बदलाव होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए परिवर्तन अच्छे के लिए होना चाहिए आज ये डिपार्टमेंट हमको मिला है हम कोशिश करेंगे ईश्वर से काम करने की कोशिश सब लोग आप लोग दुआएं दीजिए कोशिश सब लोग कि यहाँ के किसान तथा समृद्धिशाली हो यही मेरी कामना है हमारा डिपार्टमेंट बंद कर सकते धन्यवाद धन्यवाद माननीय मुख्य जी।